addition. You get team trials. बहुत अच्छे खिदमत देने वाले कंप्लीट हुए हैं, मैं इनको मुबारकबाद देता हूँ। सारा फाउंडेशन के मेम्बरान से मेरी हर महीने मुलाकात होती है और मेरे को उनके प्रोजेक्ट्स के बारे में बताते रहते हैं, वो क्या करते हैं वो बताते लिख रहते हैं, आगे वो क्या करना चाहते हैं वो बताते रहते हैं। उनका आगे का प्रोजेक्ट एक्सकैडिंग सेंटर इंशाल्लाह शायद वो है, और अल्लाह उनको कामयाबी दे ये कंप्लीट करें। जब भी एक एनजीओ काम चालू करता है वो ये सोच के चालू करता है कि मैं कुछ खिदमत करूँ लोगों की, वो कुछ आपसे वापसी में कुछ नहीं मांगता, कुछ नहीं मांगते, ये सिर्फ खिदमत करते रहते हैं। और जैसा खिदमत करना चालू करते हैं तो ज़रूरतें बढ़ती जाते हैं, जैसे सुधीर बढ़ती है, यह बढ़ती है, ये मेरे दोस्त हैं सुधीर गड्ढे साहब जो साथ में हैं। जब चालू करते हैं तो एक छोटा क्लिनिक, एक छोटा जब मेडिकल किट की बात कर रहा हूँ, कुछ करके कुछ छोटा मोटा इलाज करके सर्दी खांसी की इलाज करके कोशिश करते हैं, फिर जैसे देखते हैं कि आवाम की ज़रूरतें बढ़ती जा रही हैं, रिक्वायरमेंट्स छोटी सर्दी और बुखार से इत्यादि अलग अलग मेडिकल के अलग अलग रिक्वायरमेंट्स चालू हो जाते हैं, किसी को शुगर की तकलीफ है, किसी को आँख की तकलीफ है, किसी को कैल्शियम की तकलीफ है, तो फिर उनको अलग अलग डॉक्टर्स को बुलाना पड़ता है, ऑर्थोपेडिशियन डायबिटिशियन, फिर इनके खर्च भी बढ़ते जाते हैं, खर्च भी बढ़ते जाते हैं। वो मेकअप करने के लिए वो तो मैं पहले देखता था कि मैं जो भाई से सब मेंबर्स हैं वो खुद के किस्से में से पैसे डाल के छोटी छोटी चीज बढ़ते गए, अखराजात भी बढ़ते गए। अब वो स्कैनिंग कैटर चालू करना चाहते हैं तो उनकी रिक्वायरमेंट और भी है, तो मेरी सभी से दरखास्त है, सभी से दरखास्त है कि ऐसे प्रोजेक्ट्स में ऐसी चीज़ों में जब खिदमतगार सामने आते हैं आप ही अपना हाथ बढ़ाइए, आप भी साथ दीजिए। एक कोविड के कोई पीरियड में जब हम अंजुमन इस्लाम से काम कर रहे थे, काफ़ी हमारे साथ में जुड़ के काम किया है इन्होंने, काफ़ी लोगों की मदद की, काफ़ी लोग अच्छे भी हुए। अब ये स्कैनिंग सेंटर चालू करना चाहते हैं तो मैंने उनको वादा किया है कि मैं भी और हमारे फैमिली मेरे बेटे हैं, मेरे भाई साहब हैं, हमारे ट्रस्ट की तरफ से भी कुछ आपको करके देंगे कि आप लोगों की खिदमत कर सकें। जिसके अंदर बीपी शुगर ईसीजी टेस्टिंग की गई थी, डॉक्टर कंसल्टेशन फ्री दिया था, इसके साथ साथ हम लोगों ने मेडिसिन भी दिए थे। इस कैंप्स में टोटल 20,000 से ज़्यादा लोगों ने अपना फ़ायदा उठाया। सारा फाउंडेशन ने ऑर्थोपेडिक कैंप्स के अरेंज किए थे, माहिर जो ऑर्थोपेडिक डॉक्टर्स हैं उनको लेकर हम लोगों ने कैंप ऑर्गेनाइज किए थे, जिसमें बोन डेंसिटी स्कैनिंग की थी, जिसका पर टेस्ट अगर हम लोग प्राइवेट हॉस्पिटल में करवाएंगे तो 1500 होता है। हम लोगों ने 5,000 से ज़्यादा टेस्ट करवाए और इसके साथ साथ ऑर्थोपेडिक की मेडिसिन कैल्शियम आयरन सुक्रोज और फॉलिक एसिड मेडिसिन हम लोगों ने फ्री दी थी। सहारा फाउंडेशन हर महीना 18 लोगों को फ्री राशन किट देता है जो मुस्तैक लोग हैं। सहारा फाउंडेशन और राजेश शेख साहब के साथ मिलकर हम लोगों ने 390 वोटर आई डी कार्ड बनाए थे। सहारा फाउंडेशन ने कर्नाटका हेल्थ मिनिस्ट्री से अप्रूवल लेकर बेलगाम के बहुत सारे इलाकों में आयुष्मान भारत कार्ड का कैंप रखा था,
जिसमें हर बीपीएल कार्ड होल्डर को 5 लाख तक का कवरेज मिलता है। ये कार्ड जितने भी गवर्नमेंट इंपैनल्ड हॉस्पिटल्स हैं, केएलई, लेकव्यू हो गया, नोबल केयर, श्री ऑटो और विजय हॉस्पिटल, जितने भी गवर्नमेंट इंपैनल्ड हॉस्पिटल है, टोटल डिस्ट्रिक्ट के अंदर 207 हॉस्पिटल है, ये कार्ड सब जगह पर वैलिड है। हम लोगों ने 20,000 से ज़्यादा कार्ड अब तक बनाए हैं, जो इलेक्शन के बाद डिस्पैच होना भी शुरू हो जाएंगे। जैसा कि मौजूदा दौर को मद्देनजर रखते हुए और बढ़ती हुई बीमारियों को मद्देनजर रखते हुए हम लोगों ने 1.5 साल पहले सहारा हेल्थ केयर क्लिनिक को स्टार्ट किया था। ये बेलगाम का पहला क्लिनिक है जिसमें 10 रुपये में डॉक्टर कंसल्टेशन, मेडिसिन और इंजेक्शन फ्री दिया जाता है। अब तक अलहमदिल्ला 1.5 साल में 25,000 से ज़्यादा रिकॉर्डेड पेशेंट्स का हम लोगों ने ट्रीटमेंट यहाँ पर किया है। इसमें 5,300 हम लोगों ने सलाइन लगाया है, 630 स्टिचिंग और ड्रेसिंग किए, 210 टाइफाइड लोगों के टाइफाइड के जो पेशेंट होते हैं उनका इलाज किया है, 70 से ज़्यादा डेंगू पेशेंट्स का इलाज किया है। इसके साथ साथ सहारा के कुछ अपकमिंग प्रोजेक्ट्स हैं जिसमें 14 मई को सहारा फाउंडेशन की जानिब से फ्री खतना का कैंप रखा गया है खंजर गली स्कूल में। जिन हजरात को खतना अपने बच्चों की करवानी है वो हमारे पास आके रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं।